तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं शिलोंग, मेरा फ़ोन ठीक करवाने जा रहे हैं हम लोग फाइनली उनके पास। जो मेरी स्क्रीन टूटी थी फ़ोन की वो आ चुकी है, उनकी कॉल आई थी कल, तो आज हम लोग जा रहे हैं। और आज हम लोग जाएंगे बाइक से, क्योंकि गाड़ी से जाने में ना एक तो ट्रैफिक काफ़ी है और पार्किंग नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात पार्किंग वाली है, बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिलती है। तो गाइज चलो अब हम लोग चलते हैं। ये लो जी, ये हम लोग पहुंच चुके हैं बड़ा बाज़ार, जो मेन बाज़ार है शिलोंग का। वहाँ पर अब देखो गाइस भीड़ कितनी है यहाँ पर। भाई सच में भीड़ देख के तो ना ऐसा लगता है मुझे तो कई बार कि इस इलाके में जो है ना गाड़ी वगैरह आनी ही नहीं चाहिए, बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह बाहर पार्क करके फिर पैदल घूमने चाहिए सब लोग, क्योंकि भीड़ ही इतनी हो जाती है यहाँ पर। और इसके जस्ट आगे ना सारे बहुत सारे मतलब सभी ब्रांड्स जो आप खरीदना चाहते हो कपड़े वो सब इसके नेक्स्ट में है। इतना बड़ा विदुर नहीं जितना बड़ा नारियल है। ये देखो भैया ने हमें बोला कि चलो ठीक है आप लोगों ने नारियल पी लिए, लाओ इसके अंदर से नारियल निकाल के दूंगा। आप बड़ा ही अच्छा सा मतलब बहुत मीठा नारियल, पानी भी बहुत मीठा था और ये नारियल जो है ये भी बहुत मीठा है। पैसे वसूल हो गए बिल्कुल यहाँ पे। तो चलो जी अब हम अपना ये लेकर चलते हैं आगे। ये बनाना चिप्स सच में बहुत टेस्टी हैं ये। अब हम लोग पहुंच चुके हैं एक काम से जिससे आए थे वो उसके लिए। और ये देखो चलती फिरती चाय की दुकान। गाइज इन लोगों ने हमें इतना बेवकूफ़ बनाया ना, हमें 3 घंटे ऑफिस में बैठा के रखा। इनको हम लोगों ने एक फ्लेक्स दिया था बनाने के लिए, हमें बोला कि कोई दूसरा बंदा जो है वो गलती से ले गया है, आप यहीं पे रुकिए हम अभी आपका फ्लेक्स ला देते हैं। लेकिन इन्होंने अभी हमें नया फ्लेक्स बना के दिया, टाइम वेस्ट किया बहुत ज़्यादा। ये उसी टाइम के दौरान फिर मैंने सोचा इतनी देर यहाँ बैठ के क्या फ़ायदा, नीचे चलते हैं थोड़ा सा इधर उधर मार्केट देखते हैं। तो ये देखो ये जो आइटम्स हैं ना सभी ये दिवाली स्पेशल हैं। और ये दिए जो हैं स्पेशली ये पानी से चलने वाले दिए, इनमें पानी डालोगे तो ये जल जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वाले जो हैं दिए हैं। ये मुझे सच में बहुत अच्छे लगे, मुझे लेने थे ये एक दो दिया तो लेना ही था, लेकिन क्या करूँ बस फिर सोचा कि बाद में लेंगे, बाद के चक्कर में फिर हम लोग लेट ही हो रहे थे, फिर हम जल्दी आए गए। ये देखो ट्रैफिक, देखो भाई साहब ट्रैफिक देख के ना मन दुखी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे जो रोड्स हैं मोस्टली वन वे हैं, और एक जगह से दूसरी जगह अगर आपके जस्ट पास में है ना आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे। उसके लिए हम लोग भी जिस लोकेशन पे जाना था ना जहाँ फ्लेक्स देना था, वहाँ से हम लोग 4-5 किलोमीटर चक्कर काटते रहे, लेकिन हमें बड़ी मुश्किल से हमने फिर दूर बाइक पार्क की अपनी, तब जाके पैदल पैदल जाके तब हम उस जगह तक पहुँचे। बहुत मुश्किल है यहाँ पर, अगर बंदा कोई काम करने के लिए आया ना सिर्फ एक काम चूज़ करो भाई उसके लिए आपको पूरा दिन लगने वाला है। और ये देखो हैवी ड्राइवर होना चाहिए यहाँ पर आने के लिए, इतनी सी जगह में बड़ी बड़ी मुश्किल है कुछ नहीं। और यहाँ पे मार्केट जो है ना 6 बजे बंदे बंद करना शुरू कर देते, 6-6:30 बजे। अब हम लोग भी देखो अभी 6 बज चुके थे इस टाइम तक, तो हम लोग जा रहे थे, बल्कि कॉल सेंटर वाले को हमने कॉल कर दिया था भाई, जो वो सर्विस सेंटर वाले हैं भाई हम लोग आ रहे हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर अपना फ़ोन लेने के लिए।
ये देखो जी, अपना फ़ोन हाथ में लेने का सुकून ही अलग है। ये जैसे ही हम लोग ओप्पो सेंटर से बाहर निकले, ये सामने देखा मैंने, मुझे लगा शायद ये भी कोई फ्रूट वगैरह होगा, तो मैंने पूछा भाई ये क्या है, बोलते कि नहाते टाइम जो हम लोग सफाई करते हैं शरीर के रगड़ रगड़ के, ये वो ये इसी से नहाते हैं। मैं क्या, अच्छा ये जी टाइम तो काफ़ी हो गया है, अब हम लोग चलते हैं घर। इस टाइम तक सभी मार्केट वगैरह है बंद होने शुरू हो जाते हैं, तकरीबन बंद हो जाती है। हम लोगों ने पूछा कि हम लोग तकरीबन 6:30 बजे हम लोग मार्केट में थे, मैंने पूछा भाई हमें कुछ लेना है, कहते नहीं अब तो हम लोग बंद कर चुके हैं, अब आप नहीं ले सकते। तो जी ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पर गलियाँ देखो कितनी छोटी छोटी सी हैं, यही चीज़ मुझे यहाँ की पसंद नहीं है, कंजेस्टेड सा बिल्कुल एरिया है, लेकिन करें ये भी क्या करें इनके लिए भी। और ये देखो रोड पे आप देखोगे एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, हम लोग जिस रोड पे हमें आना था वहाँ पे स्ट्रीट लाइट थी ही नहीं। ये देखो जी ये स्क्रीन डली है इसमें मेरे फ़ोन में, ये टूट गई थी ना, तो इसमें लगे हैं 12,000 रुपये। मैंने मेरे फ़ोन का करवाया हुआ था इंश्योरेंस, इसलिए मुझे मेरे सारे पैसे जो हैं वो क्लेम हो जाएंगे, इसलिए फ़ोन का अगर आप थोड़ा महंगा फ़ोन लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है। ये देखो फ्लैप कवर है तो मेरे पास में, लेकिन जो कर्व वाले फ़ोन होते हैं ना उनके लिए फ़्लैप कवर जो है थोड़ा सूटेबल सा नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ से इसका कॉर्नर दिख रहा है, वीडियो बनाते टाइम ना ये फ़ोन ही निकल के बाहर आ जाता है, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन करूँ क्या, मजबूरी है भाई, अब तो करना पड़ेगा। ये जी अब मैंने मेरे फ़ोन में लगवा लिया स्क्रीन गार्ड, अब इसको यूज़ करूँगी, इससे पहले कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। तो जी थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।